13 नवंबर 2022 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 6 तुर्की सिविलियंस मौत के मुंह में चले गए और करीबन 80 लोग शदीद घायल हुए। तुर्की की गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की में मौजूद कुर्दिश बागियों को इस अटैक पर ब्लेम किया, जबकि दूसरी तरफ कुर्दिश बागी ग्रुप्स PKK और SDF ने बड़ा ओपनली डिनाई किया कि उनका इस अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर फिर भी इस अटैक के एक वीक के बाद तुर्किश जेट्स और तोपों ने नॉर्दर्न सीरिया और इराक में मौजूद कुर्दिश ग्रुप्स PKK और SDF की पोजीशंस पर बमबारी शुरू कर दी। और फिर 21 नवंबर 2022 को तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने ये थ्रेट किया कि ये बमबार्टमेंट तो अभी सिर्फ शुरुआत है और तुर्की बहुत जल्द नॉर्दर्न सीरिया में मौजूद कुर्दिश बागियों पे फुल स्केल अटैक करने जा रहा है। इस अटैक का पर्पज ये होगा कि तुर्की और सीरिया के बॉर्डर्स पर ये 30 किलोमीटर का एक सेफ जोन बनाया जाए, जिसपे तुर्किश आर्मी का पूरा कंट्रोल होगा। अब ऐसे हालात में, जबकि पूरी दुनिया और नेटो का फोकस इस वक्त यूक्रेन रशिया वॉर पर है और सीरिया में सिविल वॉर में काफी शिद्दत आ चुकी है, अगर तुर्की कुर्दिश ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही डेंजरस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस सूरत में हो सकता है कि अमेरिका और नेटो का फोकस दोबारा ये रीजन बन जाए, जिसका मतलब होगा कि दुनिया की सुपर पावर्स दोबारा इस एरिया में इन्वॉल्व होंगी और एज अ रिजल्ट बात फुल स्केल वॉर की तरफ भी जा सकती है। लेकिन तुर्की को आखिर कुर्द लोगों से इशू क्या है और अगर ये वॉर शुरू होती है तो ये पूरी दुनिया को कैसे अफेक्ट करेगी, आइए जानते हैं सच ये है कि इस वीडियो में। इस सारे इशू को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जियोपॉलिटिकल और डेमोग्राफिक रियलिटीज समझना होगी। सबसे पहला फैक्टर ये है कि तुर्की फ्रांस जापान या जर्मनी की तरह एथनिकली होमोजीनियस कंट्री नहीं है। मतलब जैसे फ्रांस में फ्रेंच रहते हैं, जर्मनी में जर्मन रहते हैं, वैसे तुर्की में सिर्फ तुर्क लोग नहीं रहते बल्कि वहाँ पर करीबन 1.5 करोड़ कुर्द भी रहते हैं, जो तुर्की की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 15% बनता है। कुर्द तुर्किश लोगों से काफी डिफरेंट हैं और इनकी अपनी लैंग्वेज और कल्चर है और इनकी मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स है। लेकिन कुर्द सिर्फ तुर्की में ही नहीं रहते बल्कि इस सारे एरिया में साउथ ईस्टर्न तुर्की से लेकर नॉर्दर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक और वेस्टर्न ईरान के दरमियान करीबन 3 से 4 करोड़ कुर्द रहते हैं। कुर्द दुनिया की वो सबसे बड़ी नेशनलिटी हैं जिनका खुद का कोई कंट्री नहीं और इसीलिए हर कुछ टाइम बाद कुर्द लोगों की तरफ से ऐसी एफर्ट्स की गई हैं कि इस एरिया पर एक ऑफिशियल कंट्री बनाया जाए जिसे कुर्दिस्तान कहा जाएगा। मगर ऐसी सारी एफर्ट्स को तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान ने बड़ी सख्ती से सप्रेस किया है और इसकी बड़ी सिंपल रीजन ये है कि अगर किसी एक रीजन पर भी ऐसा हो गया तो बाकी कंट्रीज में मौजूद कुर्द भी इधर यूनाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीरिया के कुर्द इस एरिया पर अपना कंट्री बनाते हैं तो तुर्की के कुर्द भी चाहेंगे कि उनका एरिया भी सीरिया वाले कुर्दिस्तान के साथ यूनाइट हो जाए। इसमें तुर्की का नुकसान ये है कि तुर्की के हाथ से उसका सारा साउथ ईस्ट बॉर्डर निकल जाएगा और वो सारे टैक्सेस जो इस एरिया के लोग तुर्की को देते हैं उन सब से तुर्की को हाथ धोना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसका तुर्की की इकोनॉमी पर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए तुर्की की गवर्नमेंट कुर्दिश इंडिपेंडेंस के आइडिया को बहुत अरसे से दबाती आई है। 1980 के बाद से आज तक तुर्की में कुर्दिश लैंग्वेज प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स दोनों में बैंड है और अगर कोई पब्लिक में कुर्दिश में बात करे तो उसे बड़ी नफरत से देखा जाता है। इसी के नतीजे में कुर्दिश लोगों में ये आग भड़कना शुरू हुई कि उन्हें तुर्की से आजादी चाहिए और इस सारे एरिया पर उनकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले 1984 में कुर्दिश बागियों ने एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने तुर्किश गवर्नमेंट के खिलाफ फुल स्केल रेजिस्टेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। PKK ने शुरू में तो पीसफुल प्रोटेस्ट्स किए मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किलिंग और इवन सुसाइड अटैक्स भी शुरू कर दिए। ये ऑर्गेनाइजेशन आज तुर्की से लेकर सीरिया और इवन इराक तक फैल चुकी है। अभी तक इस सारी लड़ाई में करीबन 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और तुर्की को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की और दूसरे अरब कंट्रीज इसी कुर्दिश मूवमेंट को दबाने के लिए बरसों से सीरिया और इराक में PKK की बेसिस पर अटैक करते रहे हैं। मगर फिर 2011 में सब कुछ बदलना शुरू हो गया जब सिविल वॉर की वजह से सीरियन गवर्नमेंट कुर्दिश बागियों को रोकने में मुकम्मल फेल हो गई। सीरिया में रहने वाले कुर्दिश लोगों को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। सीरिया के कुर्दिश ग्रुप्स ने PKK की तरह अपना एक आर्म्ड ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज या शॉर्ट फॉर्म में SDF। अब क्योंकि ये ग्रुप बशार उल असद के अगेंस्ट था तो इसे अमेरिका की सपोर्ट भी मिल गई और इसी सपोर्ट की वजह से इस ग्रुप ने नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया।
अब यही चीज तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि इस सारे एरिया पर कुर्दिश ग्रुप्स का कंट्रोल होने का मतलब था कि तुर्की के अपने कुर्दिश बागी ग्रुप्स जैसे कि पीकेके के पास एक जबरदस्त मौका है कि वो एसडीएफ के साथ मिलकर तुर्किश गवर्नमेंट पर अटैक करे, और फ्यूचर में अगर ये लोग ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो तुर्की के सारे कुर्दिश मेजोरिटी एरियाज पर इन लोगों का कंट्रोल हो सकता है, और एज अ रिजल्ट तुर्की का ये सारा साउथ ईस्टर्न कुर्दिश मेजोरिटी एरिया उसके हाथ से निकल सकता है। और जाहिर है तुर्की ये कभी नहीं होने देगा। तुर्की पहले ही सीरिया के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर इस मूवमेंट को टोटली क्रश करना है तो इसे ये 30 किलोमीटर का बफर जोन बनाना पड़ेगा ताकि एसडीएफ और पीकेके का कनेक्शन तोड़ा जा सके, और जब ये कनेक्शन टूटेगा तो तुर्की के लिए पीकेके को क्रश करना आसान होगा और नतीजतन तुर्की में बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये तो एक रीजन हो गई कि तुर्की ये बफर जोन क्यों बनाना चाहता है, लेकिन इस बफर जोन की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह भी है। असल में 2011 में सीरियन सिविल वॉर के बाद ऑलमोस्ट 36 लाख सीरियंस अपना कंट्री छोड़कर रेफ्यूजीज के तौर पर तुर्की आ गए। इतने लाखों सीरियंस को शुरू में तो तुर्की की गवर्नमेंट ने बड़ा वेलकम किया, मगर चंद बरसों बाद ही ये रेफ्यूजीज तुर्की की इकोनॉमी पर बहुत भारी बोझ बन गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने सीरियन रेफ्यूजीज पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी। अब तुर्की के हालात ये हैं कि इस वक्त 84% इन्फ्लेशन रेट है, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। दो साल पहले ही एक यूरो में आपको 6 तुर्किश लीरा मिलते थे, जबकि अब एक यूरो में आपको 20 तुर्किश लीरा मिलते हैं। और अब कुछ महीनों बाद ही जून में तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, और इन हालात में पब्लिक सिंपथी गेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने सीरियन रेफ्यूजीज को तुर्की की इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया है, और इस पॉलिटिकल स्टंट की एक वजह भी है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो बहुत क्लियरली ये देख रहा है कि जब भी तुर्की ने सीरिया पे अटैक किया, अर्दोआन की अप्रूवल रेटिंग जंप कर गई, और अभी जिस तरह तुर्की की इकोनॉमिक सिचुएशन है, तैयब अर्दोआन के पास अपनी अप्रूवल रेटिंग इम्प्रूव करने का यही बेस्ट चांस है कि वो सीरिया पर अटैक करे और इस सेफ जोन को अपने कंट्रोल में ले ले। सारी पब्लिक को सीरियन रेफ्यूजीज के अगेंस्ट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट अर्दोआन ने तो यहाँ तक कहा है कि मई में वो तकरीबन 10 लाख सीरियंस को वापस उनके देश भेज देंगे। इस वक्त तुर्की की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी एक नारे पर अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बिल्ड कर रही है, लेकिन इतने लाखों सीरियंस को वापस सिविल वॉर का शिकार सीरिया में भेजना सिर्फ एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, और इसीलिए तुर्की की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इन सीरियंस को इस 30 किलोमीटर के सेफ जोन में सेटल करे। इन सीरियंस को यहाँ सेटल करने का एक और बेनिफिट तुर्की को ये होगा कि इस एरिया में कुर्द लोगों का होल्ड कम होता जाएगा, और फ्यूचर में जब सीरियन सिविल वॉर खत्म होगी तो सिविल वॉर जीतने वाले ग्रुप को तुर्की से ही बात करनी पड़ेगी और उसकी डिमांड्स मानना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे इस सारी वॉर की कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ आने लगेगी। अगर तुर्की ने सीरिया पर अटैक किया तो उसका एक बहुत बड़ा दोस्त नाराज हो सकता है, और वो दोस्त है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। असल में अमेरिका ओपनली सीरियन कुर्दिश ग्रुप एसडीएफ को आइसिस और बशार अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट करता है, और इन केस तुर्की ने एसडीएफ पर अटैक किया तो एसडीएफ का सारा फोकस आइसिस से हटकर अपना डिफेंस हो जाएगा। इसीलिए जब तुर्की ने अनाउंस किया कि वो सीरिया पर अटैक करने जा रहा है तो वॉशिंगटन ने इसे बड़ा स्ट्रिक्टली अपोज किया, मगर अमेरिका वर्बली अपोज करने के अलावा कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से तुर्की की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नेटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है, और उनकी मेंबरशिप सारे नेटो मेंबर्स को अप्रूव करनी पड़ेगी, जिनमें तुर्की भी शामिल है। इसीलिए अमेरिका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से तुर्की रिफ्यूज कर दे और फिनलैंड एंड स्वीडन की मेंबरशिप खतरे में पड़ जाए। सीरियन सिविल वॉर में अमेरिका के अलावा दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है रशिया। शुरू में तो रशिया और तुर्की के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट डिफरेंट थे, बिकॉज तुर्की बशार अल असद के अगेंस्ट था और रशिया चाहता था कि असद गवर्नमेंट में ही रहे, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है। असल में अगर आप सीरिया के लेफ्ट साइड पर आएं तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल साथ एक शहर है टार्डिस, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सी पोर्ट है। ये पोर्ट पूरे मेडिटेरेनियन सी में वो अकेला पोर्ट है जिसे रशियन नेवी यूज कर सकती है, और इसे यूज करने के लिए रशिया ने असद की गवर्नमेंट से अगले 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अगर ये पोर्ट ना हो तो रशियन नेवी को तुर्की स्ट्रेट के नेटो कंट्रोल्ड चोक पॉइंट से गुजर वापस रशिया जाना पड़ेगा, और जाहिर है नेटो के साथ वॉर की सूरत में इसका मतलब टोटल डिजास्टर होगा। इसीलिए रशिया चाहता है कि सीरिया पर असद का ही कंट्रोल रहे, ताकि उसकी नेवी टार्डिस का पोर्ट यूज करती रहे और मिडल ईस्टर्न सिचुएशन पर उसकी नजर भी रहे। तो अगर तुर्की एसडीएफ पर अटैक करता है तो वो जियोपॉलिटिकली रशिया के गोल से अलाइन हो जाता है, क्योंकि फिर असद की गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाला कोई और बड़ा ग्रुप नहीं होगा।
इसीलिए तुर्की के इस डिसीजन का पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।